अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौलिया सिंह हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जौलिया सिंह के हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुझसे किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब स्पाइस मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपके लिए बहुत ही आसान तरीन देसी जो है नुस्खे लेकर आता हूँ, तोड़ के लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं आपको ऐसी आसान तरीन रेमेडीज बताता हूँ जिन्हें घर के अंदर करना बहुत आसान होता है। दोस्तों आज मैं आपको खूनी बवासीर के हवाले से एक बहुत ही आसान तरीन रेमेडी शेयर करूँगा। अगर आपको खूनी पेचस है तो उसमें भी ये मुफीद है। अगर आपके आंतों के अंदर कोई जख्म है, बड़ी आंत के अंदर जख्म है, उसके लिए भी ये फायदेमंद है। आंतों के ये जख्मों को भी ठीक करता है। और दोस्तों खूनी बवासीर के लिए बेहतरीन नुस्खा ये, करना भी इसे बहुत आसान है। तकरीबन ये चीज़ें आसानी के साथ अवेलेबल है। चलो दोस्तों बगैर टाइम जाए कि खूनी बवासीर के लिए और खूनी पेचस के लिए रेमेडी को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपने एक अनार लेना है, अनार को आपने छील लेना है, उसमें से सारे जो है दाने निकाल लेने हैं, उसकी जो छाल बचती है यानी जो उसकी स्किन बचती है तो आपने उसके छोटे छोटे पीस कर लेने। और दोस्तों फिर आपने उस अनार की छाल को आपने एक गिलास पानी के अंदर डाल देने, 5 मिनट तक आपने इसे जोश देने। उसके बाद दोस्तों आपने इसे छान लेने। फिर दोस्तों उसके बाद आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून पिसी हुई जो है सूखी हुई अदरक शामिल करनी है, जिसे सॉल्ट बोलते हैं, ड्राई जिंजर भी बोलते हैं, खुशक अदरक भी इसे बोलते हैं, लेकिन आम जुबान में इसे सॉल्ट बोला जाता है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, छोटे छोटे पीसेस में होती है, घर में ला के पीस के रख लें। और आपने मिक्स करके इसे पी लेने। आपने इसे 2 टाइम इस्तेमाल करने, सुबह करने और शाम के टाइम कर लें। और तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल से ही आपकी जो है खूनी बवासीर ख़त्म हो जाएगी, आपके खून आना बंद हो जाएगा। अगर आपको पेचस लगे हुए हैं, किसी भी किस्म के वबाई लगे हुए हैं या खूनी पेचस हैं, आंतों के अंदर से खून आता है वो भी रुक जाएगा। दोस्तों इससे आपकी आंतों की तमाम इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगी। दोस्तों ये बेहतरीन है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये खूनी बवासीर और खूनी पेचस के हवाले से जो मैंने आपको आसान तीन जो रेमेडी बताई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई कंफ्यूजन है इस रेमेडी के हवाले से तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर अप्लाई करूंगा। दोस्तों इससे पहले भी मैं आपको खूनी बवासीर और खूनी पेचस के हवाले से बहुत ही आसान तरीके टोटके बता चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल लूंगा, तो दोस्तों जाके आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों मजीद अगर कोई आपको और बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई मसला है आपको, किसी भी किस्म की बीमारी है तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर अप्लाई करूंगा। और दोस्तों मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए, उस बीमारी के हवाले से। तो चलिए दोस्तों मुझे इजाजत दें, फिर जेल ऑफिस टेक केयर।